परम पूजन योग ऋषि स्वामी जी महाराज, परम पूजन आयुर्वेद श्रीमणि आचार्य जी के कृपा से, ईश्वर का आशीर्वाद से, ऋषि मुनि का खोज से, एक्यूप्रेशर और योगासन प्राणायाम के द्वारा हम छोटे से बड़े बीमारियां ठीक कर सकते हैं। इस बारे में बहुत सारे मैंने जयशंकर पतंजलि यूट्यूब में मैंने डाल दिया हूँ। अभी मैं एड़ी दर्द के बारे में बोलना चाहता हूँ। एड़ी दर्द का कारण है, कोई कोई हील का जूता पहनने से एड़ी दर्द, पिंडली, पैर का दर्द इत्यादि होता है, किसी का कमर में भी दर्द होता है, शरीर का बैलेंस बिगड़ जाता है, किसी का जूता में अप डाउन रहता है इसलिए भी दर्द करता है, किसी का जूता में कहीं कहीं गड्ढा हो गया वो प्रकार जूता पहनने से भी इसका असर भी एड़ी का ऊपर पड़ता है, अलग अलग कारण भी है। किसी बहुत सारे आदमी को खाना भी पचता नहीं, खाना ना पचना भी एड़ी दर्द का ही मुख्य कारण है। पानी कम पीने से भी एड़ी का दर्द होता है, खून नहीं चलता है तो एड़ी का दर्द होता है, लेकिन जिनको भी एड़ी का दर्द जूता इत्यादि कारण से हो गया है, पानी ज़्यादा पीता है जल्दी ठीक हो जाता है। अभी मैंने बहन जी का एड़ी का दर्द था, अभी मैं इनसे पूछूंगा कब से क्या दर्द था और क्या क्या किया, कैसे ठीक हुआ, मैं भी पूछता हूँ। बहन जी आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रिया शर्मा है। कहाँ से हो? कोटा से। वार्ड नंबर पता है? चल, और स्थान का नाम तो पता होगा? राजस्थान। आपका क्या बीमारी थी? मेरे एड़ियों में दर्द था, चलने में। कितना दिन से? 4 से 5 साल हो चुके हैं। 4 से 5 साल। अब कैसे लग रहा है? अभी काफ़ी आराम है मुझे, और मुझे लग भी नहीं रहा कि अभी मेरे थोड़ी देर पहले बहुत दर्द हो रहा था। हाँ, अभी आप दर्द नहीं है? नहीं। तो मैंने क्या किया, इनको एड़ी का जिनका दर्द है, एड़ी का दर्द यहाँ इसका नाड़ी गया है, तो हमें धीरे धीरे इसको मैंने ढूंढा, चिंटी की तरह चला। आप पेंसिल, पेन, लकड़ी, किसी भी गोल चीज ले सकते हैं, इसे गोल वाला, ये धीरे धीरे चलोगे, जहाँ दर्द हुआ यहाँ 100 बार दबाना है, 80-90-100 बार दबाना है। फिर सेकंड में इसे ढूंढना है कहाँ दर्द करता है, तो जहाँ जहाँ दर्द किया मैंने सभी स्थान में 100 बार इनको 80-100 बार दबा दिया। दबाने के बाद इनका इधर भी दर्द था, तो पैर को इधर साइड में मैंने दबाया, ये वाला दबाया, 100 बार दबाया। दबाने के बाद इनको आराम मिलेगा। दूसरा भी एक रास्ता है, जैसे एड़ी में दर्द होता है पैर में, ये स्थान में एक दर्द करेगा, जहाँ तक इनको क्लोकाइज हम घुमाते हैं, क्लोकाइज एंटीबॉडी घुमाते हैं, यहाँ जहाँ जहाँ दर्द करेगा इससे भी। इसी तरह यदि हम अच्छा से खाना चबा के चबाई खाते हैं, पानी ज़्यादा पीते हैं, तो साल भर का दर्द तुरंत ठीक हो जाता है। जैसे भी बहनों का 4 से 5 साल दर्द उनका था, अभी तुरंत आराम मिल गया। तो सभी दर्शकों में अनुरोध करूँगा, इसे ज़रूर देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों को शेयर करें। सभी को ओम प्रणाम। एड़ी दर्द के जिनको दर्द है, तो हम यहाँ दबाएंगे, ये दबाने से भी जहाँ जहाँ दर्द करेगा यहाँ 100-100 बार यदि हम दबाते हैं, और फिर दूसरा जगह से ढूंढेंगे कहाँ कहाँ दर्द करता है, सभी को 100-100 बार दबाएंगे, यहाँ भी दबाएंगे, फिर यहाँ भी जहाँ जहाँ मिलेगा 100-100 बार दबाएंगे, तो इससे भी एड़ी दर्द ठीक होता है। यदि इसे ठीक नहीं होता है, हम ये भी धीरे धीरे चलेंगे, जहाँ दर्द मिलेगा यहाँ दबाएंगे 100-100 बार, फिर दूसरा जगह मिलेगा ये दबाएंगे, तो इससे भी ठीक होता है। और थोड़ा इधर का, तो इधर का साइड हम इधर भी ले सकते हैं, इधर का जो आप पैर को ऐसे कर रखो, इधर मोड़ो, इधर साइड को भी हम धीरे धीरे ऐसे करेंगे, ये वाला इनको भी दबाएंगे, इससे भी आराम मिलता है। हम एड़ी के लिए दूसरा भी, जैसे ये पैर के लिए, दाएं पैर के लिए हम यहाँ भी दबा सकते हैं, ये भी एड़ी के लिए। जैसे आप धीरे धीरे ये कोई भी गोल वाला लोगे, इसको जिमी बोलते हैं, स्टील वाला, तो धीरे धीरे चलोगे ऐसे, जहाँ जहाँ दर्द करेगा इसको 100-100 बार दबाओगे, फिर दूसरा जगह मिलेगा जहाँ जहाँ तक दबाओगे, फिर दबाने के बाद तीसरा जगह से दबाओगे, इधर भी यदि मिलेगा दबाओगे, लेकिन इधर शायद इतना मिलता नहीं है, क्योंकि इधर का कम मिलता है, इधर का इतना मिलता नहीं, लेकिन ये जनरल में ज़्यादा मिलेगा। आपको यहाँ दर्द है क्या, इधर का मिलता है, तो यहाँ दर्द करेगा दबाओगे 100-100 बार, फिर ये ठीक होता है। मैं आपसे इनसे पूछूंगा अब कैसे लेगा। आपका भाई नाम क्या है? मेरा नाम नरेंद्र हुआ। कहाँ से हो? बिहार से। और
बिल्कुल, अभी थोड़ा देर पहले मैं चल नहीं पा रहा था, इतना जोर से तीव्र दर्द हो रहा था। तो गुरु जी से मिलने के बाद मैंने इनको बोला कि थोड़ा सा दर्द करा, इनको ठीक कर दीजिए। तो बिल्कुल एक ऑफिसर कुछ ही मिनट किए और उसके बाद बिल्कुल आराम लग रहा है। एडी दर्द में हम एक्यूप्रेशर द्वारा हम ठीक कर सकते हैं। कुछ दिन तो जितने हम उसी संबंधित जहाँ पॉइंट में मैंने बोला उनको, जितने हम बार बार दबाते हैं, किसी को एक दिन में, किसी को दो, पाँच, दस, पंद्रह दिन में ठीक हो जाता है। खाली पेड़िया खाने का 2 घंटा दबाना है। परंतु एक्यूप्रेशर छोड़ के हम अलग अलग बहुत सारे रास्ते से भी ठीक कर सकते हैं। हम यदि आंकड़े के फूल एक मुट्ठी 2 गिलास पानी में रात में उबालेंगे और इसका भाप से एड़ी को सेकें, बाद में वो गर्म फूल को, गर्म गर्म फूलों को यदि हम एड़ी में बांध देते हैं लगातार 7 दिन तक इसी रात में इसी प्रकार करेंगे, इससे भी एड़ी का दर्द दूर हो जाएगा। शरीर में किसी भी स्थान में यदि दर्द रहता है हम इसको भी प्रयोग कर सकते हैं, इससे भी लाभ मिलता है। नहीं तो हम दूसरे भी घरेलू नुस्खों भी यूज कर सकते हैं। सौंठ का चूर्ण लेंगे 5 ग्राम, जायत्री बा जाफर, जायफल बोलते हैं, इसको लेंगे 5 ग्राम चूर्ण, फिटकरी लेंगे 5 ग्राम चूर्ण। तीनों को सरसों का तेल में गर्म करके यदि जहाँ एड़ी में दर्द हैं बांध के, ब्राउन कलर का जो शलोटे होता है वो ब्राउन कलर का शलोटे पीछे यदि हम बांध देते हैं, चिपका कर रखते हैं लगातार 1 दिन, इसी प्रकार 2-3 दिन यदि हम रख देंगे इससे भी एड़ी का दर्द ठीक होता है। होम्योपैथिक में हम आर्किना माउंट 200 लेंगे, इसी तरह रूटा 200 लेंगे। सुबह मुंह धोने का पहले गर्म पानी में कूला कर लेंगे, कूला करके गर्म पानी को फेंक देंगे और 2 बूंद जीभ में लगा देंगे। 1 दिन अर्किना माउंट लगाएंगे, दूसरा दिन रूटा 200 2 बूंद लगाएंगे, लेकिन मुंह धोने का पहले गर्म पानी से कूला करके पानी को फेंक देने के बाद इसे करना है। यदि इसे लगातार 15 दिन करते हैं या 1 महीना करते हैं, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल का भी यदि एड़ी में दर्द हो गया, किसी में चट भी आ गया, चोट से भी दर्द हो जाता है, बस शरीर में कहीं भी दर्द होता है, इससे भी ठीक हो जाता है, इसका भी हम चमत्कार प्रयोग करके हम लाभ ले सकते हैं, दूसरे भी बोल सकते हैं। नहीं तो हम आयुर्वेद का माध्यम से जो अश्वगंधा चूर्ण है, यदि गुनगुना दूध में 1-1 चम्मच सुबह शाम लेते हैं, उससे भी लाभ मिल जाता है। यदि इससे लाभ नहीं मिलेगा, गेहूं का जावारा का रस पाउडर 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम गुनगुना दूध में 2-3 महीना ले लें। लास्ट 1 महीना केसर गुगुर हम लें, इसका सहित गेहूं का चावर का रस का सहित इससे यदि हम लेते हैं, जो चल भी नहीं पाता एड़ी का दर्द से वो चल पाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हम कलर चिकित्सा माध्यम से ठीक कर सकते हैं। कलर चिकित्सा में जो दाएं हाथ का मध्यमा उंगली है, ये जो जॉइंट है, जॉइंट का बगल में इसी स्थान में यदि हम ब्राउन कलर, भूरा रंग यदि हम इसी प्रकार साइज का लगाते हैं, उससे भी एड़ी का दर्द में आराम आना है। भूरा कलर, ब्राउन कलर, और यदि किसी को सूट नहीं करता है कलर किसी भी कारण से, तो स्पिरिट से या साबुन से धो लेंगे, नीति से भी आराम मिल जाता है। बाकी जिनको दर्द है एड़ी में वो जरूर कार्बोहाइड्रेट वाला, ज़्यादा प्रोटीन वाला सामान ना खाएं, जो यूरिक एसिड बढ़ता है, यूरिक एसिड से एड़ी का दर्द होता है। जैसे मूंगफली, काजू बादाम, ज़्यादा नमक, ब्रांडी, अल्कोहल ना लें, पालक गोभी ना लें, मछली ना खाएं, चाय कॉफी ना लें, वनस्पति घी से बना हुआ सामान घर में भी ना लें, या बाज़ार में जो सामान खाते हैं जो वनस्पति घी से बना है वो सामान ना खाएं।
कोल्ड ड्रिंक्स ना पिए, इससे कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वाला चीज़ यदि खाएंगे यूरिक एसिड बढ़ता है, ठीक नहीं होता है। इसी तरह हम चना, मटर, आलू, उड़द, राजमा और ज़्यादा खट्टी वाला सामान, भैंस का दूध, पेठा ये ना लें, इसे खीरा भी ना लें, अमचूर भी ना लें, ज़्यादा खट्टे आइटम ना खाएं। तो इसी प्रकार यदि हम परहेज करते हैं तो इसे ज़्यादा लाभ मिलेगा। छाँच दोपहर में एक एक गिलास या दो गिलास पिए, खाना हजम होगा तो जल्दी लाभ। जो बार किसी भी स्क्वायर साइज वाला में यदि एड़ी को जहाँ दर्द है इसी स्थान को यदि हम इसे दबाते हैं कुछ दिन तो इससे भी आराम मिल जाता है। इसे दबाएंगे व इनको भी दबाएंगे, यहाँ भी दर्द होगा तो इनको भी दबाएंगे, तो ये यदि हम दबाते हैं एड़ी का दर्द इससे भी लाभ मिल जाता है। तो इसी प्रकार बहुत सारे रास्ते हैं, दर्शकों को जानकारी मैंने बोला किसी भी रास्ता से करें, किसी को एक दिन में, किसी को दो पाँच दस दिन में तुरंत लाभ मिल जाता है। व्यवहार करें, लाभ लें, दूसरों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, फॉरवर्ड करें। सभी को ओम।